गाइस सो दैट मींस मैं मेरा मैच रिकॉर्ड फ्रॉम सेंट मेडिकल कॉलेज जयपुर। और गाइस अब अपन आए आज द लास्ट वीडियो ऑफ आवर टॉपिक दैट इज ऑक्सीजन डेप्थ। देखो गाइस होता क्या है समझना। देखो वैसे ये क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, पर अगर अंदाजे से चले ना जिस तरीके से जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे तो ये टॉपिक छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है और ये पक्का एक ना एक दिन आएगा, मेरे को लग रहा है इसी साल आएगा। ठीक है, अगर नर्व मसल फिजियोलॉजी से अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो। और एक और टॉपिक हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल, यहाँ से एमसीक्यू बनने के मेरे को खूब चांसेस लग रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे चैनल पे दो चीजें, एक बेस्ट कॉन्सेप्ट मिनिमम टाइम मिलते हैं, दूसरा अगर टॉपर भी मेरे चैनल से पढ़ेगा तो भी वो टॉप करेगा, पास होने वाला भी मेरे चैनल से पढ़ेगा तो पास होकर रहेगा। मतलब तुम कितना लेना चाहते हो उतना तुमको मेरे चैनल से मिल जाएगा, हर तरह का ज्ञान मिलेगा हर तरह का। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, नाम से पता पड़ रहा है, ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन का कर्जा। ठीक है, पहले अपन ऑक्सीजन से कर्जा लेंगे, फिर अपन को ऑक्सीजन को कर्जा चुकाना पड़ेगा। समझते होता है क्या ऑक्सीजन डेप्थ। देखो होता क्या है, बॉडी के अंदर नॉर्मली 2 लीटर स्टोर्ड ऑक्सीजन रहता है। ठीक है ना, 2 लीटर ऑफ स्टोर्ड ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नॉर्मली रहता ही है ना। क्यों? क्योंकि मान लो अचानक से किसी को एक्सरसाइज करनी है तो वो स्टोर्ड ऑक्सीजन अपने काम आ सकेगा ना, हर जगह रहता है। थोड़ा सा लंग्स के अंदर जो एयर है उसके अंदर है, बॉडी फ्लूइड के अंदर डिजॉल्व स्टेट में रहता है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड स्टेट में रहता है, मायोग्लोबिन के अंदर स्टोर रहता है। मायोग्लोबिन पता है ना, पिछली वीडियो में बताया था मायोग्लोबिन क्या, स्टोर हाउस ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को बाइंड करके स्टोर रखता है। ठीक है, मोरओवर जब अपन हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ये सारा ऑक्सीजन अपना एरोबिक मेटाबॉलिज्म में चले जाता है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन को वापस से रिप्लेनिश करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ऑक्सीजन को वापस से रिप्लेनिश करना है तो होता क्या है तो और साथ में इस 2 लीटर ऑक्सीजन के साथ अपन को 9 लीटर ऑक्सीजन जो है वो भी रिप्लेनिश करना है। अभी 9 लीटर ऑक्सीजन ये क्यों भाई, इसमें ऐसा क्या भाई, ये क्यों करना है? क्योंकि ये 9 लीटर ऑक्सीजन अपन को फॉस्फेजन मेटाबॉलिक सिस्टम, देखो 2-3 तरह के सिस्टम होते हैं, फॉस्फेजन मेटाबॉलिक सिस्टम, ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम, ऐसे 2-3 तरह के सिस्टम होते हैं। ये सिस्टम मैं अभी बताऊंगा हाइपरट्रॉफी मसल के अंदर, वहां पे अभी और क्लियर कर दूंगा इस बारे में। ठीक है, तो एक मेटाबॉलिक सिस्टम होता है फॉस्फेजन मेटाबॉलिक सिस्टम, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, लैक्टिक एसिड सिस्टम। ठीक है, तो इन काम के लिए चाहिए फॉस्फेजन मेटाबॉलिक सिस्टम में फॉस्फेजन को अपन को रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, और लैक्टिक एसिड सिस्टम में जो लैक्टिक एसिड बना है उसको रिमूव कराना है। ठीक है ना, तो इस वजह से और ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये जो ऑक्सीजन है जो अपन एक बार ले लेते हैं तो ये वापस से पे करना होता है। तो ये जो 11 लीटर जो है, ठीक है ना, 11 ये अराउंड अगर सब जोड़ते ना तो ये अराउंड 11.5 लीटर के करीब पड़ता है। ठीक है, तो ये 11.5 लीटर है, ये है अपना ऑक्सीजन डेप्थ, ये इसकी वैल्यू। क्लियर, ये सब करने के अंदर तो ऑल दिस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दैट मस्ट बी रिपेयर्ड अबाउट 11.5 लीटर इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्थ, हो गया। तो इसे कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। अगर मैं आप लोगों को ग्राफ से समझाऊं तो समझना और ज्यादा समझ में आएगा। देखो मैं तो एक्सिस बनाता हूं, ठीक है, ओके। तो ये एक्सिस बनाई मैंने, यहां पे मैं लेता हूं कि रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक, कितनी तेजी से ऑक्सीजन लिया जा रहा है। ठीक है, लीटर पर मिनट, और यहां मैं लेता हूं मिनट्स। ठीक है, मतलब कितने टाइम पे कितनी देर तक ऑक्सीजन लिया जा रहा है। ठीक है, मिनट्स और रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक। अब मान लो एक मिनट, ठीक है, अब मान लो मैंने एक्सरसाइज करी तो एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा, मतलब ऑक्सीजन लेना ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिएगा ना। तो जैसे ही अपन एक्सरसाइज करी तो ऑक्सीजन का अपटेक बढ़ गया। ठीक है, और एक्सरसाइज खत्म होते ही वापस नीचे आना चाहिए। ठीक है, और ये नीचे आने की जगह बहुत स्लोली नीचे आ रहा है। आप देखो देखो ये टाइम तक अपन एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है, इस टाइम पे मैं लिख देता अपनी एक्सरसाइज चल रही थी, ठीक है ना। लेकिन आप देखो अभी भी अपना ऑक्सीजन जल्दी से नीचे नहीं आया एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी। तो ये जो ऑक्सीजन है जो अभी तक नीचे नहीं आया, ये वही है जो रिप्लेनिश कर रहा है जो भी अपन ने यूज किया ऑक्सीजन को। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिप्लेनिश। तो 2 तरह के सिस्टम हो गए, ठीक है, एक अलैक्टिक ऑक्सीजन डेप्थ, ठीक है, और एक है लैक्टिक ऑक्सीजन
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम बना देना और थोड़ा बहुत लिख देना जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। वैसे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक ऑक्सीजन डेप्थ ये होता है 3.5 लीटर, इलेक्ट्रिक ऑक्सीजन डेप्थ ये होता है 8 लीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक ऑक्सीजन डेप्थ का मतलब क्या हुआ, ये उस काम के लिए है, किस काम के लिए, फॉर रीजनरेटिंग फॉस्फोजन एंड रिपेइंग स्टोर्ड ऑक्सीजन, ठीक है, फॉस्फोजन को रीजनरेट करने के लिए। और लैक्टिक ऑक्सीजन डेप्थ मतलब फॉर द रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड, क्लियर। तो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, पहला ऑक्सीजन डेप्थ की वैल्यू कितनी है, अगर एमसीक्यू में बनेगा तो 11.5 लीटर, जिसके अंदर से अलैक्टिक का कितना है 3.5 लीटर, लैक्टिक का 8 लीटर, इसका क्या मतलब है फॉस्फोजन सिस्टम को बनाना, इसका क्या मतलब है बताओ लैक्टिक एसिड का रिमूव करना, क्लियर, आया समझ में। अच्छा एक और बात, अगर डेटा के साथ चले तो एक्सरसाइज मान लो 4 मिनट करी तो 40 मिनट तक भी अपना ऑक्सीजन एकदम नीचे तक नहीं आया है, अभी भी थोड़ा सा रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक ज्यादा ही है, आप देख सकते हो, क्लियर। तो ये था ऑक्सीजन अपटेक का। अब अपन देखेंगे मसल की हाइपरट्रॉफी, ठीक है। यहां से मुझे ऐसा लगता है कि एमसीक्यू आएगा ही आएगा, और आएगा तो आप लोग करके आओगे क्या, क्या आप लोगों ने मेरे चैनल से पढ़ा है, ओके देखते हैं। मसल हाइपरट्रॉफी, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि मसल हाइपरट्रॉफी में होता क्या क्या है, क्या क्या चेंजेस होते हैं व्हेन अ मसल गेट हाइपरट्रोफाइड, ठीक है, समझेंगे। सबसे पहले हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है, एक्चुअली हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज इन द डायमीटर, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मसल फाइबर्स, ठीक है, इंक्रीज इन साइज, ये कह लो डायमीटर ऑफ मसल फाइबर्स। कोई भी बच्चा ये मत करके आ जाना वहां अगर एमसीक्यू में ऑप्शन आए ना मसल हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, ये गलत है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ मसल फाइबर्स का क्या मतलब होता है, हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी का मतलब इंक्रीज इन साइज एंड डायमीटर ऑफ द मसल फाइबर्स, ओके। अच्छा कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो अपन देखते हैं। पहला मायोफाइब्रिल्स के अंदर इंक्रीज आएगा, मतलब मसल के अंदर मायोफाइब्रिल्स का नंबर बढ़ जाएगा एक मसल फाइबर के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स बढ़ जाएंगे अराउंड 2 टाइम्स, ठीक है, 120% माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स 120% से बढ़ जाएंगे, हालांकि ये परसेंटेज में याद रखना, मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है, 120% तक बढ़ जाएंगे। और फॉस्फोजन मेटाबॉलिक सिस्टम बढ़ जाएगा 60% से 80% तक, फॉस्फेजन ये सब मैं लिख चुका हूं अपने नोट्स के अंदर, मेटाबॉलिक सिस्टम, ठीक है, तो ये बढ़ावा मिलेगा आपको, मतलब फॉस्फेजन मेटाबॉलिक सिस्टम बढ़ावा मिलेगा। अगला देखो, हाँ मैं आपको बोल रहा था ना क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो फॉस्फेजन मेटाबॉलिक सिस्टम, देखो तीन तरह के सिस्टम होते हैं, एक फॉस्फेजन मेटाबॉलिक सिस्टम, एक एरोबिक सिस्टम, ठीक है, एक ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम। मेनली ये तीन तरह के मैकेनिज्म होते हैं, अलग अलग काम में काम आते हैं। देखो फॉस्फेजन मेटाबॉलिक सिस्टम जो होता है ना वो क्या करता है, बहुत जल्दी एटीपी बना लेता है फॉस्फोक्रिएटिनिन से, तो इसका मतलब ये उन कामों में काम आएगा जहां जल्दी से एटीपी चाहिए, तो फॉस्फेजन मेटाबॉलिक सिस्टम उन काम में आता है जहां जल्दी एनर्जी चाहिए। मान लो किसी को बहुत शॉर्ट रेस भागनी है, बहुत अचानक से तेजी से भागना है, तो वहां पे फॉस्फेजन सिस्टम काम आएगा। एरोबिक सिस्टम जो प्रोलॉन्ग एथलेटिक एक्टिविटी, जैसे मैराथन भागनी है तो वहां पे एरोबिक सिस्टम चलता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा एटीपी लंबे टाइम तक बनती रहे, फैटिगनेस नहीं आए। और इनके बीच में, इन दोनों के बीच में आता है ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम, ये क्या करता है इंटरमीडिएट पावर यूज करता है, इंटरमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे 200 से 800 मीटर की रेसिंग भागनी हो, ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी, ध्यान रख लेना, ओके। यहां से भी क्वेश्चन आप बना ले, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया होता है क्या एक्चुअली, पता है ये जैसे लास्ट का जैसे पहला चैप्टर है तो क्या होता है, अगर सेमेस्टर आते हैं ना तो ये जो पहला चैप्टर है ज्यादा कोर्स हुआ नहीं है तो टीचर ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन देता है, तो इसलिए मैं आपका एक भी क्वेश्चन छुड़वाना नहीं चाहता। अगला ग्लाइकोजन का, जो ग्लाइकोजन की स्टोरेज है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड्स की स्टोरेज इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। ये सारे चेंजेस जो है ये इस तरीके से बनाए गए कि एरोबिक एनारोबिक मेटाबॉलिज्म सब कुछ बढ़ जाए, ठीक है। मेनली जो क्वेश्चन बनता है ये तो ये बनता है मायोफाइब्रिल्स का इंक्रीज होना हाइपरट्रॉफी में, कोई बात ये समझ नहीं पाता, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब होना तो ठीक है, फॉस्फोजन मेटाबॉलिक सिस्टम ये इंक्रीज होना ये भी ध्यान रखना, दोनों सिस्टम नहीं हो रहे, एरोबिक और ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड का नाम नहीं है, फॉस्फोजन मेटाबॉलिक सिस्टम इंक्रीज हो रहा, क्यों, क्योंकि हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि जल्दी से एनर्जी देना, ठीक है ना, तो इस वजह से फॉस्फोजन मेटाबॉलिक सिस्टम में ग्रोथ आ रही है, ग्लाइकोजन ट्राइग्लिसराइड स्टोर ज्यादा होगा। सो गाइस वी हैव कंप्लीटेड द नर्व मसल फिजियोलॉजी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अब स्टार्ट करेंगे ब्लड फिजियोलॉजी, आग लगा देंगे आग, वी विल टुगेदर मेक इट द बेस्ट चैनल फॉर फिजियोलॉजी। तो गाइस इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय, जय हिंद जय भारत।